अपना रास्ता बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेने जा रहा हूँ जिसपे क्वेश्चन आते हैं, और वो है फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड संरचना क्या होती है, ध्यान से सुनिए। सॉलिड्स इन विच रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज 1:2 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज 2 ऑफ एनायन। These types of solids has fluoride structure. मैंने कहा रेशो ऑफ कैटायन, ये कैटायन हो गया और ये आपका एनायन हो गया, तो 1:2 ये रेशो होना चाहिए। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर x है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2x है तो इसका कितना होना चाहिए x, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इज 2 ऑफ एनायन, 2 हो गया। तो ये दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो बेस ठोस जिनमें धनायन और एनायन का जो अनुपात है वो 1:2 है, और धनायन की जो समन्वय संख्या है वो ऋणायन की समन्वय संख्या से दोगुनी होती है, इस प्रकार के ठोस फ्लोराइड संरचना रखते हैं। क्लियर हो गया। अब एंटी फ्लोराइड की बात करें, उससे पहले इसका कॉमन एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो बेटा Ab2, कौन सा Ab2। पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करें तो CaF2। अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है तो ध्यान रखना बेटा, जो कैटायन है, जो धनायन है, वो CCP व्यवस्था में होगा, CCP अरेंजमेंट में होगा, और जो ऋणायन है यानी B- या F- वो चतुष्फल के छिद्रों को घेरेंगे, इसको घेरेंगे चतुष्फल के छिद्रों को, यानी कैटायन RN is in CCP arrangement and anion occupied in tetrahedral valves, fluoride structure. Anti-fluoride का मीन इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, एंटी का मीन ही होता है। तो सॉलिड्स इन विच रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन, रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज 2:1, देखो मैंने अपोजिट कर दिया, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज 2 ऑफ कैटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन इज 2 ऑफ कैटायन, यानी एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर डबल होना चाहिए, एनायन का उससे हाफ होना चाहिए, है ना ऐसा ही। तो वे ठोस जिनमें धनायन और एनायन का अनुपात 2:1 होता है, और ऋणायन की जो समन्वय संख्या है वो धनायन की समन्वय संख्या से दुगनी होती है, इस प्रकार की जो ठोस है वो एंटी फ्लोराइड संरचना रखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कॉमन एग्जाम्पल की बात करें ए टू बी, और पर्टिकुलर एग्जाम्पल लें तो Na2O, कौन सा ले लिया Na2O। यहाँ पर जो एनायन है, एनायन यानी ऋणायन, ऋणायन की बात कर रहा हूँ, वो CCP अरेंजमेंट में होता है, CCP व्यवस्था में होता है, जबकि जो धनायन है वो चतुष्फल के छिद्रों को ऑक्यूपाई करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्लियर। अब मैं इनको एक स्ट्रक्चर से समझाता हूँ, जो मैंने डायग्राम एग्जाम्पल लिए हैं उनकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ कि कैसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनेगी और कैसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनेगी। तो ध्यान दें, दोनों को मैं एक में समझा दूंगा बेटा, थोड़ा कंसंट्रेट रहिए। ये मैं पहले एक क्यूब बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, क्यूब। ये बेटा मेरा क्यूब बन गया, क्या बन गया, क्यूब। क्यूब के कॉर्नर्स हैं, क्यूब के क्या है, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे मैं ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स यानी कैटायन को शो किया। अब इसको अपन कट लगाते हैं, बीच में से जब कट लगा है, ये मैंने कट लगा दिया, ठीक है। अब यहां से कट लगाते हैं, देखिए ये मैंने कट लगा दिया, अब कट यहां से लगाना है, देखिए ये कट ये लगे, इसको इससे मिलाते हैं,
आपको पता है इसको इससे मिलाते हैं और यहाँ से एक रेखा सेंटर में से ऐसे निकालते हैं। अब सीसी के अरेंजमेंट का मेन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CF2 फ्लोराइड है, तो बेटा ये जो है ये तो Ca2 प्लस आयंस है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ Ca2 प्लस आयंस है, और जो सॉलिड कर रहा हूँ ये आपका F माइनस है। कैटायन कहाँ पे होगा? सीसी पे अरेंजमेंट, तो कॉर्नर्स पे हो गए, और सीसी पे अरेंजमेंट में सेंटर ऑफ ईच फेसेस देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ईच फेसेस पे हो गए, तो ये सीसी पे अरेंजमेंट हो गया। और एफ माइनस क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जब सीसी पे अरेंजमेंट है तो पर यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4, ठीक है। सीसीपी व्यवस्था में प्रति इकाई कोशिका अभिविक कणों की संख्या 4 होती है, तो चतुष्फल के क्षेत्र इनसे दुगने होंगे, 8 बनेंगे। अब जैसे ये आपका Ca2 प्लस है, ये बेटा 8 एफ माइनस के साथ जुड़ा होगा, कितने के साथ? 8 एफ माइनस। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और दिखाता है, ये दिखाता है। आप देखिए 8 के साथ अटैच होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एक Ca2 प्लस 8 एफ माइनस से अटैच है, है ना अटैच। तो बेटा Ca2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी Ca2 प्लस का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 8, 8 के साथ अटैच है। अब एफ माइनस कितने हैं? Ca2 प्लस के साथ अटैच होंगे। तो देखिए बेटा मैं अब बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक ही अरेंजमेंट कर दिया ये एफ माइनस है, ये देखो एक इसके साथ अटैच हो गया, 2, 3 और 4, 4 के साथ अटैच हुआ है, नहीं एक एफ माइनस 4 Ca2 प्लस के साथ अटैच हुआ है, तो एफ माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। तो धनायन का समन्वय संख्या दुगनी है 8 और ऋणायन की 4, तो इस प्रकार की जो संरचना बनी उसको कहते हैं फ्लोराइड संरचना। क्लियर हो गया। अब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करें, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में इसको अपोजिट कर दें और मैं ले रहा हूँ Na2O। तो बेटा यहाँ पे जो मैंने सीसी पे अरेंजमेंट में एनायन होगा, तो ये Ca2 प्लस यहाँ से बेटा की O2 माइनस का एनायन सीसीपी में हो गया O2 माइनस, और एफ माइनस ये क्या कर दें? Na+, Na+। तो यहाँ पर मैं Ca यहाँ क्या लिखूंगा? O2 माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया, क्योंकि O2 माइनस कितने Na+ के साथ अटैच होगा? 8 के साथ, 8 के साथ होगा तो 8, और Na+ कितने O2 माइनस के साथ अटैच है? 1, 2, 3, 4 के साथ, तो Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो ये कहलाती है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है और एग्जाम में ये आते रहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक था लास्ट अपना जो मैंने कहा है आपको, और आगे सुनिए बच्चों, मैंने 3D में, 3D संरचना में ब्रेवे जालक की संख्या आपको बताई है, टोटल 14 होती है। त्रिविमीय संरचना में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है? 14, यानी इन 3D स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिस इज 14। अगर एग्जाम में, यहाँ बोर्ड में तो नहीं आएगा लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि 2D स्ट्रक्चर में, यानी 2D संरचना में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है, 2D संरचना में 2 डायमेंशन में टोटल नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिस कितने होते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दें बच्चों, अब मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। तो बेटा नंबर ऑफ ब्रेवे लैटिस इन 2D क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ
Brevis lattice in 2D closed packed structure अगर आपसे पूछिए तो बेटा 5 होते हैं, कितने होते हैं 5 2D में, और 3D में कितने होते हैं टोटल 14 14 होते हैं, तो 2D में 5 टोटल Brevis lattice कितने 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है बेटा आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एक तो ये होता है, एक होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ठीक है, एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर एक होता है सेंटर्ड रेक्टेंगल, और एक होता है रोम्बस। ये 5 होते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सेंटर्ड रेक्टेंगल, और एक होता है रोम्बस। पैरेललोग्राम में बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, और जो आपका एंगल है गामा इज नॉट इक्वल टू 90, एंगल आपका 90 के इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। कि पैरेललोग्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया, दोनों जो साइड है वो इक्वल नहीं होगी और एंगल भी 90 के इक्वल नहीं होगा। रेक्टेंगल में आप जानते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन जो एंगल बनेगा वो इक्वल टू 90 बनेगा, जानते हैं ना रेक्टेंगल आयत जिसको कहते हैं, पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल यानी आयत, स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर में आप जानते हैं ए इक्वल टू बी होता है और जो एंगल है वो किसके इक्वल होता है 90 के इक्वल, और सेंटर्ड रेक्टेंगल है तो वो रेक्टेंगल ही, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी, गामा इज 90 डिग्री। लेकिन इसमें ये रेक्टेंगल आपने बना दिया और इसके सेंटर में एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल शो करना पड़ेगा, एक अभिवी कण शो करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड सेंटर्ड रेक्टेंगल केंद्रित आयत। ये लास्ट होता है रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है बेटा, ए इक्वल टू बी होता है और गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना। तो 2D स्ट्रक्चर, 2D क्लोज पैक स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ Brevis lattice कितने होते हैं बेटा 5, ध्यान रखें, कौन सा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सेंटर्ड रेक्टेंगल, रोम्बस, ये पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंगल कितना होगा नॉट इक्वल टू 90, रेक्टेंगल में ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंगल कितना होगा 90, स्क्वायर में ए इक्वल टू बी, एंगल कितना होगा 90, सेंटर रेक्टेंगल में यानी केंद्रित आयत में ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, और गामा इज 90, और रोम्बस में ए इक्वल टू बी और गामा इज नॉट इक्वल टू 90। अगर इसको बनाए इस तरह से थोड़ा सा अच्छा बने, इस तरह से बने, ये रोम्बस होता है आपका, और रोम्बस में ए इज नॉट ए इक्वल टू बी और एंगल इज नॉट इक्वल टू 90, ये 2D में आपके Brevis lattice। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा जो कई बार एग्जाम में आता है कि क्वार्ट्ज और ग्लास में क्या डिफरेंस है, क्वार्ट्ज और ग्लास में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और ग्लास को क्वार्ट्ज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, ग्लास और क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है और क्वार्ट्ज को किस तरह से हम ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, पेपर एग्जाम में भी आता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि क्वार्ट्ज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्वार्ट्ज जो है क्रिस्टलीय ठोस है, और जो ग्लास है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, कहने का मीन है वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है, ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, और जो आपका क्वार्ट्ज है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यानी क्रिस्टलीय ठोस है। क्योंकि क्वार्ट्ज में जो SiO4 -4 यूनिट्स हैं, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज की बात कर रहे हैं, इसमें जो SiO4 और माइनस यूनिट्स होती हैं बेटा वो टेट्राहेड्रली अरेंज होती है और डेफिनेट अरेंजमेंट में होती यूनिट्स। तो ये जो क्वार्ट्ज है वो आपका क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन ठोस है, जबकि ग्लास की हम बात करें, ग्लास यानी कांच,
ये अमोर्फस सॉलिड है यानी एक्रिस्टलीय ठोस। इसमें जो इसमें भी कौन सी यूनिट्स होती हैं, SiO4-4 यूनिट्स होती हैं। ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं होती, ये डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ क्वार्ट्ज में SiO4-4 यूनिट्स डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। अब क्वार्ट्ज को किसमें कन्वर्ट करना है, ग्लास में, क्वार्ट्ज को कांच में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना है, क्वार्ट्ज को पहले हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना है, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करना है और फिर उसे रैपिडली कूल करना है, रैपिडली कूल करना है। तो जैसे आप रैपिडली कूल करोगे तो क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाए, कहने का मीन है क्वार्ट्ज को पहले हाई टेम्परेचर पे जलाइए, पिघलाओ और फिर उसे तेजी से ठंडा करो, और तेजी से ठंडा करने पर क्वार्ट्ज ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो साथ ही ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है बेटा। अब मैं ऑनलाइन और स्मॉल ग्रुप में दो टेस्ट पेपर डालूंगा, तो टेस्ट पेपर को आपको अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है, डेफिनेटली नोटबुक में करना है। और कल मैं सॉल्यूशन वाले चैप्टर के जो नोट्स है उनका PDF आपके ऑनलाइन और स्मॉल क्लासेस पर डाल दूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर की भी आपको कल से तैयारी करनी है और सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करके नोटबुक में रखना है। थैंक यू। आपको अगर चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब।